पहला मिथ क्या है, वो लोग 30 बच्चे पढ़ाते हैं, ये गलत है कि वो 30 बच्चे नहीं पढ़ाते। मेरा मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा, वो हजारों बच्चे पढ़ाते हैं, 30 बच्चे नहीं, ठीक है, पहली बात तो। और उन हजार बच्चों में से 30 बच्चों को वो सेलेक्ट करते हैं। अब वो सिलेक्शन के बाद में भी पता नहीं लगता है कि वो 30 बच्चे कौन से हैं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है भी कि जिसका सिलेक्शन हो गया वही सुपर 30 के अंदर है। देखो ये पहली फोर्जरी, मैं तो नहीं जानता था। 32 से 33 हजार रुपया वो लेते हैं पर स्टूडेंट, और हॉस्टल का चार्ज अलग। मतलब रिपोर्ट ये है कि 30 में से उन्होंने इस बार क्या हुआ, फिल्म आ रही है ना, फिल्म आने के चक्कर में, क्योंकि अगर 30 में से कुछ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका इमेज डाउन हो जाएगा, मूवी कैसे बनेगा, मूवी बन रहा है। तो उन्होंने 26 बच्चे दिखा दिए कि हमारे यहाँ से आईआईटी के अंदर 26 बच्चे सेलेक्ट हुए, जबकि एक्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनमें से जितने 26 बच्चों में से जो भी उन्होंने नाम लिए, उनके पूरे बैच में से सिर्फ 3 बच्चे ही सेलेक्ट हुए, 26 नहीं हुए। पहली बात तो ये है ओवरऑल फोर्जरी इन सुपर 30।